हेलो गाइज, मैं हूं विकास शाहू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी एक और नई वीडियो में। कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसे मोबाइल के बारे में जो कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो वह मोबाइल कौन सा है, जानने के लिए एंड तक बने रहिए मेरी इस वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी शो कर रही होगी तो जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। गाइस, जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसे मोबाइल के बारे में जो बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, मैं बता दूं कि जियो और गूगल ने मिलकर एक मोबाइल को बनाया है और यह बहुत ही जल्द अपने इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मोबाइल का मॉडल कौन सा है तो यह तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, मगर इसकी जो पिक्स हैं वो आपको स्क्रीन पर शो कर रही होंगी जो हमें मिल चुकी हैं। इस मोबाइल के लॉन्च होते ही लावा और माइक्रोमैक्स कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह मोबाइल माना जा रहा है कि बहुत ही सस्ता इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो गाइज, इंडियन मार्केट में 4G नेटवर्क के चलते पहले से धाक जमा चुकी जियो कंपनी को इस स्मार्टफोन से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। मोबाइल की कीमत अभी तक तय नहीं हुई है, मगर माना जा रहा है कि इस मोबाइल की जो कीमत होगी वह 5000 रुपए से बहुत कम होगी। यह मोबाइल 4G होगा या 5G, इस बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर इस मोबाइल में जो प्रोसेसर मिलेगा वह गूगल की तरफ से एंड्रॉयड प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको गूगल प्ले स्टोर के साथ गूगल की और भी सर्विसेस आपको मिल जाएंगी। इस मोबाइल की जो बिक्री है वह 10 सितंबर से यानी कि गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होने वाली है। इस मोबाइल के बारे में यदि मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो जो आज का वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।